नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा दुनिया पे। मैं पूनम आपके साथ। मणिपुर में 4 मई को भीड़ ने दो महिलाओं को निवस्त कर सड़क पर घुमाया था। 19 जुलाई को इसका वीडियो सामने आने के बाद राज्य में हिंसा बढ़ गई है। अब पड़ोसी राज्य मिजोरम में खतरा मंडरा रहा है। अंडरग्राउंड मिजो नेशनल फ्रंट के मिलिटेंट्स के संगठन पीस अकॉर्ड MNF रिटर्नीज एसोसिएशन ने एक बयान जारी करके कहा कि मिजोरम में रहने वाले मतई लोगों को उनकी सुरक्षा के मद्देनज़र राज्य छोड़ देना चाहिए। इस वक्त मिजो समुदाय की भावनाएं आहत हैं। डर के कारण 40 मैताई समुदाय के लोग शनिवार को मिजोरम राज्य छोड़कर मणिपुर की राजधानी इम्फाल आ गए। हजारों लोग पलायन को मजबूर हैं। मणिपुर सरकार ने भी कह दिया कि वो अपने मतई लोगों को चार्टर्ड फ्लाइट से इक्वेट कराएगी। शनिवार को महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल मणिपुर पहुंची। एयरपोर्ट पहुंचते ही उन्होंने कहा वह सीएम बीरेन सिंह से मिलने आई है। मिजोरम राज्य में रहने वाली मिजो जनजाति का कुकी जोमी समुदाय से ऐतिहासिक तौर पर एक भावनात्मक लगाव रहा। मणिपुर में जिस तरह से हालात बदल रहे हैं उसकी वजह से दूसरे राज्यों में रहने वाले मतई समुदाय की मुश्किलें बढ़ रही हैं। मणिपुर में रहने वाले अब तक 12,000 से ज़्यादा कुकी समुदाय के लोगों को मिजोरम राज्य में शरण मिली है। इसी के साथ बने रहे राजनामा दुनिया के साथ। धन्यवाद।